नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक महिला की आत्महत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन करने उतरा है। दरअसल बताया जा रहा है कि 17 दिन पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली और महिला के घर वालों का आरोप है कि उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की है और इस मामले में प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी मांग को लेकर भिलवाड़ा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि वह महिला SMM कॉलेज में अध्ययनरत थी और ऐसे में उस छात्र बहन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से शुभम जैन की ये रिपोर्ट। जय श्री राम। आज हम कलेक्ट्री में अपनी एक बहन को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस बहन को उसका पति शराब पीकर रोज मारता था, पीटता था, पूरे बदन पर काट काट के दाग कर दिए और वो उस बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार वालों से हम मिले, उन्होंने हमें सारी घटनाक्रम में बताया कैसे क्या हुआ। अगर पुलिस वाले इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। हमारे पास शिकायतों में गरीब हूँ और मेरी बेटी साथ बहुत बुरी घटना की थी। मेरे दामाद ने बहुत नेम लाइक ने रखी, देखने लाइक ने रखी और मेरे का मैं कार्रवाई करूँ, मेरे को सुनी नहीं कर रहा। ये आप लोग मेरी विनती सुनो, आप मेरी सुनी करो। पुलिस लोग मेरे को सुनी नहीं कर रहा। मैं जाऊँ थाना में जाऊँ पाची आऊँ, मेरे को लोग सुनी नहीं कर रहा। तो आप मेरे शिकार करो सब जना, मेरे बच्ची को इंसाफ दिलो। मेरे और कुछ भी नहीं चाहे, बस एक दूसरे की लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहे। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।